बड़ी खबर यूपी के जिला पीलीभीत से, जहां उस वक्त भीषण सड़क हादसा हो गया जब एक रोडवेज बस और पिकअप में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 32 लोग घायल हो गए, जिनमें से करीब 10 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, साथ ही मृतकों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। दरअसल हादसा थाना सहरामऊ इलाके में हुआ, जहां एक रोडवेज बस लखनऊ से पीलीभीत जा रही थी, तभी एक पिकअप से उसकी टक्कर हो गई और बस पलट गई। हादसे में 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 32 लोग घायल हो गए। हादसे की सूचना के बाद पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने रेस्क्यू कर घायल और मृतकों को बाहर निकलवाया। घायलों को पीलीभीत के जिला अस्पताल और बरेली में भर्ती कराया गया। लखनऊ से पीलीभीत आ रही थी, उसमें काफ़ी सवारियां बैठी थी और इधर पूरनपुर की तरफ से एक पिकअप जा रही थी जिसमें भी सवारियां बैठी थी। अचानक पूरनपुर और सहरामऊ के बॉर्डर पर एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे बस जाके खाई खेत में पलट जाती है और पलटने से सारी सवारियां उसमें दब जाती हैं। जो पिकअप में सवारी बैठी थी उनको भी काफ़ी चोटें आई हैं और अभी तक वहाँ से हम लोगों ने सभी को रेस्क्यू कर लिया है, हॉस्पिटल ले आए हैं, जिसमें 7 लोगों को ब्रॉड डेड घोषित किया गया है और यहाँ से करीब 9 लोगों को हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया गया है। तमाम लोगों का यहाँ फर्स्ट एड चल रहा है। बाकी जो अभी घायलों की संख्या है, यदि हम उसको जोड़ लें पूरी, तो अभी मृतकों और घायलों को मिला के 25 के आसपास अभी उमटी हुई है। कुछ लोग और सवारियां घायल हैं जिनको बहुत हल्की फुल्की चोट है, उनको भी फर्स्ट एड दिया गया है। जानकारी लगी कुछ कहाँ कहाँ के लोग थे? इसमें ज़्यादातर लोग ये पीलीभीत और इसके आसपास के ही हैं, क्योंकि ये वहाँ लखनऊ से चले थे और ये पीलीभीत की ज़्यादातर सवारियाँ थी, तो चाहे वो पूरनपुर के हैं या पीलीभीत के हैं या आसपास के जनपदों को हैं, जो पीलीभीत से आगे को जाते हैं, कनकपुर या यहाँ।